जेबा वीडियोस बनी, उसके बाद उनको सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। आपने कहा था कि ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया मेरे ऊपर, अब क्या कहते हैं? जी बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है, तभी तो हम लोग तो हर तारीख पे पहुंचे होते हैं, यहाँ पे आए हुए होते हैं और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी जो है विक्टिम जो थे आ भी चुके हैं और मुदई भी हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, लेकिन जज साहब नहीं आ रहे जिसकी वजह से हमारा पेंडिंग पे जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, जैसे जज साहब आएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, और जो सच का सच है झूठ का झूठा सब सामने आ जाएगा। केस सर आप कानूनी नुकता बताइएगा पहले, भी मैडम लंबा होता जा रहा है, मतलब तारीख पे तारीख पड़ रही है, कभी क्या हो रहा है, क्या काम है इसमें? जायसा भी आज छुट्टी पे थे, पिछली डेट पे भी दो जो छुट्टी पे थे, इस वजह से जो है वो प्रोसीडिंग मजीद आगे 24 डेट डली है, तो इंशाल्लाह ताला 24 में जो भी कार्ड कोई राजीनामा हो गया है या क्या सोचते हैं? इसमें राजीनामा तो नहीं होता, उन्होंने अपनी तस्दीक कर ली है ये हमारे मुलज़म नहीं है क्योंकि कंपाउंडेबल नहीं है ये, तो लिहाजा वो उस बिहाफ पे जो या ये वो कहते हैं जी हमारे ये मुलज़म नहीं है कि उस ये मास्क।